ही सेनाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कड़े शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान की गलती माफी के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो वो समय और जगह देखकर उसको उस कार्रवाई का बहुत अच्छी तरह जवाब दे देंगे। वी गॉट टू रिटेलिएट टू प्रोवोकेशन टू फायरिंग इन अ मेजर्ड मैनर एंड फॉर इफेक्ट। वी विल अपहोल्ड द सीज फायर एज लॉन्ग एज द एडवर्सरी अपहोल्ड्स इट, but we shall not be passive to be fired at, and therefore when we are fired at, when we are provoked, we shall respond immediately, and also to acts of this kind, the heinous act which was committed on the 8th in Mendip sector, we reserve the right to retaliate at the time and place of choosing. And from the point of view of aggressiveness and offensiveness, as I said earlier, I expect my commanders in the face of provocation and firing to be aggressive and offensive, and therefore moral ascendancy implies that they understand they are doing a great job, and they must understand that the army hierarchy is standing behind them. पुंछ के चक्कंदबाग में हुई ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान के सामने तीन बातें रखी गई। जम्मू कश्मीर में LOC पर पाकिस्तान सेना की फायरिंग में दो भारतीय सैनिकों की बर्बर हत्या के बाद काफी तल्खी भरे माहौल में दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग हुई। बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकला, दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। काफी नानुकुर के बाद बातचीत के लिए पहुंचे पाकिस्तान के दल ने भारत के आरोपों का आरोप लगाकर ही जवाब दिया। फ्लैग मीटिंग में भारत ने पाकिस्तान से तीन मांगे रखी, शहीद हेमराज का सिर वापस करें, सीज फायर का उल्लंघन बंद करें, घुसपैठ बंद करें। पाकिस्तान ने भी दो मांगे रखी, कृष्णा घाटी में फायरिंग भारतीय सैनिक करते हैं, इसको बंद करें। 8 जनवरी की घटना जवाबी कार्रवाई का नतीजा थी, क्योंकि भारत ने पहले पाकिस्तान के जवान को मारा था। जानकार भी मानते हैं कि इस तरह की फ्लैग मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। रेगुलर फोर्सेज टू इन्फिल्ट्रेट इनटू पाकिस्तान, बट व्हेनेवर पाकिस्तान ट्राइज टू इन्फिल्ट्रेट इट्स ओन पीपल द टेररिस्ट इनटू इंडियन टेरिटरी, इंडिया हैज टू रिटेलिएट। So despite the flag meeting, nothing much is going to happen. बीजेपी ने भी बातचीत छोड़ कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। हमारा कहना बराबर ये रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है उसको उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। पता नहीं भारत में हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि सीधे युद्ध होगा और युद्ध के बाद परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल होगा, इससे डर के डरपोक की तरह हम लोग घर में बैठे हुए हैं। शिवसेना ने भी कहा है कि अब बातचीत का समय नहीं बचा है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना के हमारे कार्याध्यक्ष उद्धव जी ने कहा है कि ये चर्चा का नाटक नौटंकी बंद करो और पाकिस्तान में हमारी सेना को जाने की इजाजत दीजिए। जैसे हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी कहा है 15 मिनट में पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे, अब ये करने की वक्त आया है और ये फ्लैग मार्च का नाटक बंद करो। फ्लैग मीटिंग में पाकिस्तान के रुख से साफ है कि वो इस मामले में गंभीर नहीं है, और अगर वो सकारात्मक रवैया नहीं अपनाता है तो शायद कड़ी कार्रवाई के अलावा भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। सवाल यह है कि बार बार ऐसी फ्लैग मीटिंग्स के क्या मायने जिनका नतीजा मीटिंग शुरू होने से पहले ही तय हो। क्या अमेरिका भी अपने दुश्मनों के साथ फ्लैग मीटिंग्स करता है?